ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं साइबरपंक 2077। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोग एक डेक्स नाम के बंदे से मिले थे जो कि शायद से नाइट सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग को उस बंदे के बारे में याद आया होगा। एक बंदा नहीं था, रॉयल कार में आया था बॉडी गार्ड्स के साथ, काफी ज्यादा मोटा सा, हाँ मार्क हेनरी जैसा। तो शायद से अब आप लोग को याद आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो गाइस उसी बंदे ने ना हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, एक काम दिया था करने के लिए कि अगर तुम मेरे लिए चिप चुरा के लाओगे, मतलब कोई चिप है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चिप के बदले ना गाइस वो मैं बहुत ज्यादा पैसा देने वाला है और पैसों के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट एक सेकंड में इतनी देर से यहां पर खड़े होकर देख रहा हूं, ये क्या हालत हो रखी है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शायद से इसकी गर्लफ्रेंड है या फिर इसकी सिस्टर है और उसने कुछ ज्यादा पी लिया इस वाले बार से और ये इस टाइम पर घर जाने की हालत में नहीं है। यहां पर जितने बंदे भी मेरे को नजर आ रही है, भूत लग रहा है भाई तू, मेरे को ज़ॉम्बी लग रहा है तू, अपना चुपचाप ऐसे निकल ले अभी ना गाइस। देखो हां मैं क्या बात कर रहा था, उसने हमें काम दिया करने के लिए। तो जैकी और मैं ना एक जगह पर गए थे, कुछ टेररिस्ट का एरिया था, वहां से ना हमें एक स्पाइडर बॉट लेनी थी जो कि इस मिशन में अपने काम आने वाली है। तो वो हम लोग खरीदने गए थे चुपचाप से, बट वहां हो गया बहुत तगड़ा पंगा। जैकी भी अकड़ में था, वहां के टेररिस्ट भी अकड़ में थे और हो गई तगड़ी लड़ाई और हम लोग वो माल फ्री ही में ले आए जैसे तैसे। बट यार जो भी हो, जान का खतरा था, हम लेकिन फिर भी पार कर गए। और यार इस तरफ में इतनी ज्यादा तगड़ी गाड़ी खड़ी है ना, मैं जब से इस गेम को खेल रहा हूं मैंने अभी तक एक भी सुपर कार ड्राइव नहीं करी। बट हाँ इन गाड़ी को मैं ना अभी ले भी नहीं सकता क्योंकि इनके अंदर लॉक लगा हुआ है और लॉक मैं तोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा अभी ना ब्रेकिंग लेवल 4 है और उसको तोड़ने के लिए चाहिए 20। तो ये वाली जो कार है अभी बहुत तगड़ी है एंड ये तो यार गोल्ड की है। ये कैसे भी हो गोल्ड की है तो बहुत बड़ी बात है। और इतनी महंगी महंगी गाड़ी इसलिए इधर खड़ी है क्योंकि मैं एक बार के बाहर आया हूँ, इस बार के अंदर बहुत अमीर अमीर बंदे आए हैं शायद से। बट अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ गरीब बंदे भी हैं जो शायद से बची कुछ ही बियर यहाँ पर पी रहे हैं। इसके पेट कैसे है, या तो ये पसीना है या फिर इसने लेमिनेशन करवा रखी है जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं करवाते, पता नहीं यार क्या सीन है। अभी यहाँ गाइस देखो अभी ना हमें अपना मिशन आगे कंटिन्यू करना है, वो चिप चुराने के लिए हमें जो करना है हम लोग सब कुछ करेंगे। अभी फिलहाल मैं इस बार के बाहर आया हूँ और ये बाउंसर से मेरे को पहले बात करनी पड़ेगी, अंदर जाकर ना किसी से हमें मिलना है। ओके मेरे को भी अंदर जाना है। Hold it, house rules first. There will be severe penalties for any unauthorized recording. Okay. No drugs, no groping. ओके इस बार में अच्छी बात है, ड्रग्स वगैरह कुछ भी नहीं है। चलो मेरे को जाने दो, भी मैंने इतना टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट से साइड हट जाओ। भाई कैसे बाउंसर है ये, बेसबॉल बैट लेके खड़ी हुई है। यहाँ बाउंसर ऐसा से होते चौड़े चौड़े, जाने दे यार दिमाग मत ना चाटे, ठीक है। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। बार तो वैसे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार मेरे को देखने में, एंड इससे मेरे को बात करने का। हेलो गो टू लेजी बार्स बिटवीन 6 PM to 6 AM, ठीक है। हाँ अभी 6 PM के बाद की आया हूँ मैं, मेरे को उधर जाना है क्या? अच्छा मेरे को और अंदर जाना है शायद से, अभी फटाफट से इसे ओपन करते हैं। ओह भाई रियल बार तो ये है, मैं बाहर काउंटर पे खड़ा हुआ था इतनी देर से। अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर। बाकी कौन है भाई तू? अच्छा मैं, ये तो मेन शायद से बारटेंडर, ठीक है इससे बात करते हैं। हेलो हम लोग ना यहाँ पर, हाँ इसी की मैं बात कर रहा था, एवेलिन से हम लोग मिलने आए हैं। ये हमारी हेल्प करेगी इस मिशन में, लड़की है कोई पूछ रहा है गाइस किसके, नहीं हमें बस आंसर दे दो। मैंने लग रहा उल्टा जवाब दे दिया इसके मुंह पे। अबे भाई मेरे को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए था। कौन बोला, ये कौन है, एक सेकेंड, ये क्यों बोल रहे बीच में भाई? यार मैं ना पी रहा ड्रिंक व्रिंक, मेरे को ड्रिंक पिला रहे भाई बेमतलब, ला पिला दे फ्री की पी लेनी चाहिए। अच्छा गाइस यही है, ओ ओ ओ जिसको हम लोग ढूंढने के लिए आए हुए हैं वो यही है। हेलो ओके तो ये कह रहा था कि जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए तब आना, बट जो मेन थी इसने हमारी बात सुन ली थी कि हम लोग इसको ढूंढने के लिए आए हुए हैं। तो भी फिलहाल ठीक है अभी यहाँ पर If I didn't, rest assured, you'd know. Come on, no place we can talk where ears won't prick up to listen. ठीक है, okay. तो भी ना गाइस हम लोग शायद से कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो हम लोग शायद से प्राइवेट रूम में जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग आराम से बैठ के बात करेंगे। जल्दी से हम लोग इसके पीछे पीछे चलते हैं, कहाँ चलेंगे, एक मिनट। तो क्योंकि ना अपना जो मिशन है वो हमें एकदम सीक्रेट रखना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो पहले मैं अंदर जाऊँ। ओके तो अभी फिलहाल मैं अंदर आ गया हूँ, यहाँ बैठना है ठीक है। बाकी एक सेकंड भाई, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बना रखा है यार ये वाला बार। अभी इससे ना गाइस हम लोग मेन डिस्कशन करने वाले हैं और आज के वाला जो मिशन है ना भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, तो आपको एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा ठीक है। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना क्योंकि अभी हम लोग बहुत कुछ अलग करने वाले हैं बाकी गेमों से हटके। हाँ तो ये देखो डेक्स की बात कर रही है,
I hope he wasn't overselling. Okay. Don't know him well. हाँ मैं ठीक है. No idea if Dex exaggerates. क्योंकि अभी हम लोग Dex के साथ पहली बार काम कर रहे हैं. You got me. Just started working. जो Dex gangster है शायद से ये भी उसके नीचे मतलब जानती तो है मेरे को नहीं पता उसके नीचे काम करती है नहीं. I've heard there are two kinds of fixers. Those with Dex शायद से ना fixer है कोई. Long contracts and short leashes. Okay. Loyal. तो last time जो fixer की बात हो रही थी ना वो Dex ही है. Then there's the other kind. Dex's kind. Business की बात करो. Cut to the chase. What do you got for me? Your target. I trust you know what it is. Relic. Secure your soul trinket. Key tech in the program, actually. We're tangling with Arasaka. Making this heist one dangerous, risky motherfucker. बहुत तगड़ी हाइस्ट होने वाली है क्योंकि जो मैं चिप चुरानी है यार वो किसी तगड़े बंदे पे यार. But me. पता नहीं कैसे चुराएंगे बट हाँ ये हाइस्ट हमें करनी है. The chip is tucked away inside Compeki Plaza, the hotel. You ever been? Compeki Plaza hotel में वो चिप है. Out of my price range. Corp hotels? पैसे में पैसे नहीं है. No, out of my price range. बिल्कुल पैसे नहीं है भाई. As you'll see for yourself. So where's this chip hiding exactly? In a suite on the top floor. The room's occupied by Yorinobu Arasaka. Okay, तो गाइस वो जो चिप है ना एक योरिनोबु अरासाका का कोई रूम है उसी वाले होटल में उस प्लाजा में उसके टॉप फ्लोर पे उसका रूम है. तो गाइस अभी ना मैं एकदम एग्जैक्टली नहीं पता कि वो जो चिप है हमें इतना पता चल गया कि वो जो प्लाजा है ना उसके टॉप फ्लोर पर एक बंदा है. मैं उसका नाम ना काफी ज्यादा अजीब सा है तो उसी के ना रूम में है और उसी ने कहीं ना छुपा रखी है उसी रूम के अंदर. तो गाइस देखो बिना फिलहाल इस चिप को चुराना इतना ज्यादा आसान नहीं है. इस चिप को चुराने के लिए हमें उस प्लाजा में जाना है और उस प्लाजा में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और साथ के साथ जिस बंदे के सूट से हमें चुरानी है ना उसकी खुद की पर्सनल सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है. और अभी ना फिलहाल एवेलिन हमें कहीं पर लेकर जा रही है इसकी बात ही सुनते हैं बहुत ज्यादा नॉलेज है से. ओके ओ भाई तो गाइस सर इसके पास ना एक टेप रिकॉर्डिंग है. इसने शायद से ना अपने ऊपर कैमरा लगाया होगा और जब भी उसके घर में गई होगी ना तो उसने पूरा का पूरा घर उसका रिकॉर्ड कर लिया योरिनोबु का. तो उससे हमें पता चल जाएगा उसके घर में क्या क्या है. हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि वो जो चिप है कहाँ हो सकती है. अगर हाँ ये उसके घर गई है तो शायद से ये उसे पर्सनली जानती है. How else could I get all this intel? Oh, bhai. I know him pretty well. Sahi bande ke paas aaye hum log bilkul. We have an arrangement. Strictly business. Suits us both, I think. Let's see this okay. Brain dance. तो गाइस यार देखो ये जो लड़की है ना ये योरिनोबु जो बंदा है जिससे हमने चिप चुरा कर लानी है ये उसको पर्सनली जानती थी उसके घर भी गई हुई थी बट शायद से अभी इनकी बातचीत. Judy's always been there for me. Okay. Always helped out. I trust her. तो ये ना भी किसी जोड़ी से हमें मिलाने के लिए लाई है. जोड़ी कौन है अभी है. ओके ठीक है. ओके 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 मैं चलता हूँ अंदर. रिलैक्स बिलीव इट नॉट आई एम नो स्ट्रेंजर टू कहाँ जाना है. ओह ठीक है. इन बिज और लाइफ तो यही है क्या जोड़ी. मेरे को लग रहा था कोई लड़का होगा. ये क्या कर रही है इसके ब्रेन में क्या लगा हुआ है. ओ उठ गई. मेरे को लग रहा था सो रही है. वो धक्का कौन मार रहा है. He's here for that BD role. And V, this is Judy. Best brain dance editor I know. Enough already. Brain dance. BD jo hai na wo brain dance hai. Brain dance kya hota hai yaar? Hey Judy. Hey Judy. तो हम लोग यहाँ पर ब्रेन डांस सीखने आए और शायद से ये जो कुछ कर रही है ना अपनी ब्रेन में कुछ लगा के ये शायद से ब्रेन डांस ही है. ब्रेन में नहीं सॉरी हेड पे उसने जो लगा रखा था. V needs to get deep inside. That's most important. So, let's calibrate. Tune it to him. तो जैसा मैं सोच रहा हूँ या जैसा सुन रहा हूँ कुछ वैसा ही सीन तो नहीं है. मतलब जो इसके पास टेप रिकॉर्डिंग है ना उसके घर का उस टेप रिकॉर्डिंग को हम लोग पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. मतलब ओ भाई साहब शायद से ऐसे कुछ है बट हमें पहले वो सीखना पड़ेगा ना. भाई ये कीबोर्ड कितना बड़ा है भाई. नो लुक आई एम नो बीडी वर्जिन बट द रॉ स्टफ अनचार्टेड टेरिटरी. तो चलो अभी ना फिलहाल ये हमें BD यानी ब्रेन डांस सिखाने वाली है और अगर हम लोग उसे एक बार सीख लेंगे ना तो
तो हमें पूरा का पूरा वो सीन पता चल जाएगा क्या होता है। जो इसके पास टेप रिकॉर्डिंग है ना उसके घर का, जिसके घर में चिप है योरिनोबू, तो हम पूरा का पूरा उसे स्कैन कर सकते हैं। तो मैंने कहा था ना आज की जो हाइस्ट है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है, तो आप लोग को ना बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा ये, क्योंकि भाई बहुत तगड़ा ही सीन होने वाला है। मतलब ओके, तो अभी फिलहाल वो जो डिवाइस था ना इसने मेरे हेड पे ला के लगा दिया है, और अभी फिलहाल ये भाई मेरे को पूरी लेस्टर लग रही है, इतना तगड़ा हैकिंग का इसने सेटअप बना रखा है एक बार की बेसमेंट में। ओ भाई ओके, मेरे को अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है ओके। हिट मी, जस्ट प्रॉमिस मी इट वोंट हर्ट। इतना डर तो मेरे को नहीं लगा। नाउ सिट स्टिल, लुक एट मी भाई, ये जैसा मैं सोच रहा हूँ ना बस वैसा ही हो भाई, क्या मजा आने वाला है। ओके अभी फिलहाल यार बात बात पे तो हम लोग कभी उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमेशा इस सीट पे बैठते हैं, बट कोई नहीं, मजा आता है भाई काफी ज्यादा, एकदम रियल लुक आता है। तू तो हटा के से ओके, ये स्टार्ट कर दिया इन्होंने मशीन। ओके आई एम गोना हैव टू डू दिस कैलिब्रेशन डांस एवरी टाइम, नॉट नेसेसरीली बट इट्स वर्थ द वेट, गिव मी टू मोर मिनट्स एंड यू विल सी एग्जैक्टली डन 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 वन मोर सेक, नीड टू गेट द पेन रिसेप्टर लिमिटर्स इन। अभी पता नहीं यार वो क्या ही कर रहे हैं कंप्यूटर में, हमारा ना पूरा प्रोफाइल सेटअप कर रहे हैं वैसे वो। अब प्रोफाइल टेस्ट कर रहे हैं वो। अभी ना गाइस हमें ना एक ये सैंपल ब्रेन डांस में मैं भेजने वाली है, मतलब अभी जो मेन टेप है ना हम लोग उसको नहीं यूज करेंगे। ओके ठीक है, डन। तो गाइस अभी ना फिलहाल जैसा कि मैंने कहा था पहले ना हम लोग उसका एक सैंपल टेस्ट करेंगे, जो हमारी प्रोफाइल बने उसका पूरा टेस्ट करेंगे कि आखिरकार ये जो ब्रेन डांस है काम कैसे करता है। ये एक दूसरी टेप रिकॉर्डिंग है जो कि हमें देने वाले हैं, 3, 2, 1, उसके बाद हम लोग उस वाली टेप रिकॉर्डिंग को यूज करेंगे जहां से हमें चिप चुरानी है, पहले सीख लेते हैं एक बारी। तो अभी फिलहाल इस टेप रिकॉर्डिंग में क्या है मेरे को ये देखना होगा, ठीक है। तो ये कोई दो बंदे हैं, फेस पे मास्क लगा रखा है, and remember us to look at everything on full blast, they'll spot us extra for a wicked adrenaline high. ye kya karne kuch to ye bahut galat karne ja rahe hain, aur ye isne kuch kya hai ye danger, cctv wagera band kar diya gaya ya fir o isne isko gun diya hai, theek hai ye kahin to ja raha hai, kisi bande ko marne ja rahe hain shayad se, ye guys koi aur banda hai, koi tape recording hai। o bhai 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 dukaan mein chori, o bhai दुकान में चोरी करने आए थे गाइस ये लोग, बस 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 ठीक है। तो अभी ये जो टेप रिकॉर्डिंग है ना ये एक सैंपल, इसने गोली चला दी, अबे डर गया भाई ये तो। स्लो डीप ब्रेथ्स, योर कोर्टिसोल एंड एड्रेनालिन स्पाइक्ड बट द सॉफ्ट एक्टिवेटेड योर हार्मोन ब्लॉकर्स, नथिंग हैपेंड। ओके यू आर अलाइव एंड वेल, ठीक है ठीक है ओके, दैट वाज टू मच, दैट वाज too much, could feel the guy's pain, his stress, his hope, शायद से एक सेकेंड अभी वो देखने में समझ आएगा आखिरकार एक्चुअली हुआ क्या है वहाँ, बट अभी ना हमें वो नहीं देखना कि क्या हुआ है, किसने किसको मारा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि जो ब्रेन डांस है ना ये आखिरकार चलता कैसे है। अभी फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं सीधा एडिटर मोड में, मतलब आप लोग को ये थोड़ा सा ना अलग लग रहा होगा, बट हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अलग है, थोड़ा अलग नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग एडिटर मोड में आ चुके हैं, हमें सारी कमांड सुननी है, फॉलो कर रहे हैं, इस ब्रेन डांस एडिटर को सीखना है, ठीक है। इन ब्रेन डांस एडिटिंग मोड यू कैन मूव द कैमरा फ्रीली अराउंड द सीन, ठीक है। अब ये जो टेप रिकॉर्डिंग है ना इसके थ्रू हम लोग उस टाइम का पूरा माहौल चेक कर सकते हैं, कौन सी गन इनके पास थी, ठीक है। ओके तो अभी फिलहाल हम लोग ना जो टेप रिकॉर्डिंग है उसको ऐसे प्ले कर सकते हैं एक अलग व्यू से, ताकि हम लोग ना उसे पूरा देख पाए, मतलब भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल चीज है। ओके फॉलो जूडीज, अभी ना हमें इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके पहले से सीखना है, फिर हम लोग उस वाली क्लिप को इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्यू से हम लोग इसे रिवाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है ओके। फास्ट फॉरवर्डिंग इससे होगी, ई से होगी, ठीक है ओके। फास्ट फॉरवर्डिंग भी सीख ली, आर टू रीस्टार्ट। This okay. here's why you came in the first place.
तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल ये जो ब्रेन डांस है ना, ये मैंने पूरा का पूरा सीख लिया है। तो गाइस सर, एक्चुअली इस क्लिप में पता हुआ क्या था, मैं आपको ना शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ। तो यार देखो, पहले ना ये जो बंदा है यहाँ पर, इसने ना इसे बोला कि ये ले गन और अंदर जाकर ना दुकान में चोरी कर ले। उसके बाद मैं आपको ना यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, इसने इस बंदे को ना जल्दी से गन पकड़ाई और ये जल्दी से अंदर गया। अभी देखना क्या होगा भाई साहब, ये ब्रेन डांस बहुत तगड़ी चीज है और अभी देखना भी क्या होगा। एक सेकंड, ये इसने, अबे मारना जल्दी से। तो इसने क्या करा, इसने ना पैसे लिए इसको गन दिखा के। अब जैसे ये गन दिखाकर यहाँ से निकल रहा था ना, अब आप लोग देखना क्या होगा, इसके थ्रू में सब दिख जाएगा। इसके किसी और ने गोली बजा दी है, देखो ये बंदा पीछे से आया और इसको मार दिया। और अगर ये ब्रेन डांस नहीं होता तो हम लोग ये सब नहीं पता कर पाते। तो ये बहुत ज्यादा तगड़ी चीज है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसे पूरा सीख चुके हैं। अब हमें वो वाली टेप रिकॉर्डिंग से ना उस चिप को ढूंढना है, जिस टेप रिकॉर्डिंग में वो जो एवेलिन है ना, उस टेप रिकॉर्डिंग को उसके घर से रिकॉर्ड करके लाई है। तो जल्दी से वो वाली टेप रिकॉर्डिंग प्ले करो। अब तो मैं चिप ढूंढ के रहूंगा। तो भाई मैंने कहा था ना, बहुत तगड़ा होने वाला है ये। ओके, बेचारे इसको दया आ रही है उस बंदे के ऊपर। वैसे गलत काम तो भाई गलत है, अच्छा हुआ मर गया। बड़ा जिसने मारा वो जाते इस था। तो भी हम टीबग टू लिंक। हां तो गाइस, टीबग अपनी रोबोट है, इसको क्या दिक्कत हो गई। माय क्रू सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, शी विल टेल मी व्हाट टू लुक फॉर व्हाइल वी एनालाइज, नो प्रॉब्लम आई होप। तो गाइस, जो अपनी रोबो है ना टीबग, वो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है। बट एक सेकंड यार, ये ना गाइस मना कर रही है कि टीबग को नहीं लिंक करना, क्योंकि ये एक हैकर है, छुप के रह रही है। व्हाई? बिकॉज़ यू से सो। तो इसको शक हो रहा है टीबग पे। ओके, इसने बोल दिया। Never expose you to any danger. You know that. Okay. चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल उसने हमारी बात मान ली है। अभी हम टीबग को कॉल करके उसे ना पूरा सीन हमें बताना है कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं इससे हेल्प लेने। ये है गाइस टीबग। Bug, listen. I got some useful footage from Compeki Plaza. तो उसके घर में जितनी भी सिक्योरिटी होगी ना, उसको तोड़ने में ये हेल्प करेगी हमारी। Someone there with you? Yes. Judy and Evelyn, they're chill. They helped me work through this BD. Uh-huh. All right. You gonna tell me what this is about? Listen, need your help. Got no clue what to look for once I'm in. All right, see if I can walk you through it. क्लू नहीं मिला भाई, क्लू ही क्लू तो मिल गए। वैसे हाँ, एक वैसा क्लू नहीं मिला यार, मान लो वहाँ चिप ना हो तो। ओके, स्किप स्किप स्किप। गॉट इट। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल वो वाली टेप रिकॉर्डिंग चलने वाली है। ओके, अभी ना। ओके। फायर अप ज्यूडी। ओके, तो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग टीबग के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम लोग ब्रेन डांस करने वाले हैं, मतलब उस वाली टेप रिकॉर्डिंग को हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, जिसमें एवेलिन गई थी उस बंदे के घर पर, जिस बंदे के घर पर चिप है। वो टीबग हमारा सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो है, वो हमारी हेल्प करेगी। बाकी एक सेकेंड, ये सीधा उसके फ्लैट में आ गई थी। ओ भाई, ये कौन है? इसकी सिक्योरिटी गार्ड है भाई। आई फेल्ट हर फियर। शी गॉट इट अंडर कंट्रोल क्विक टू। ओके, तो ये आई एवेलिन। ये एवेलिन वही लड़की है जिससे हम लोग बार में मिले थे, जो उसके घर पे गई थी क्योंकि उसे जानती थी, शायद इनका कोई बिजनेस था साथ में। तो क्या घर है यार। ओके, तो बिना फिलहाल हमें इनकी बातें ध्यान से सुननी है, तो क्लिप को पीछे करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, सेम टू सेम सब कुछ वैसे ही होने वाला है। क्लिप को हम लोग पूरा को पूरा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, हमें इसकी बातें सुननी है। रुक जाओ, तो कि गाइस देखो, बिना फिलहाल ये जिससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा है ना, हमें इसी को स्कैन करना है, ठीक है? हमें अभी इसकी बात है। ड्रोन, तो गाइस ये आपको ना थोड़ा सा स्क्रीन वगैरह अलग दिख रही होगी, बट इसे समझने की कोशिश करो। जो इसे समझ गया ना भाई, मैं मान जाऊंगा। कमेंट में बताना अगर आपको पूरा समझ आ जाए तो, क्योंकि ये भाई इसको मेरे को भी समझने में थोड़ा बहुत वैसा हो रहा है, बट कोई नहीं, ये समझ तो मेरे को आ रहा है, क्योंकि मैं ना पूरा ऑडियो वगैरह हम लोग पूरा हैक कर रहे हैं अलग से। तो अभी फिलहाल लिसन इन योरिनोबू, इसकी बात सुननी है। Please speak with your father. He's taken a particular interest in this project. He can certainly explain the risks. My father's a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change. Okay. He'll live forever. भाई पूरा हैकर विजन आ रहा है यार। Frozen bubble. चिप दुनिया में मेन। Be listening to such things. Oh, leaving signal range. एक सेकंड। अच्छा, हमें इसके थोड़ा पास भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा यहाँ लगा हुआ था ना इसके बॉडी पे, तो एक लिमिटेड रेंज तक रह सकते हैं। इस...
I am quite sure we want now. किससे बात कर रहा है तू? Documentation carefully. The relic requires specific storage conditions. You must provide them. Heard that? In the visual layer, scan Yorinobu's data pad while it's turned on. ठीक है, तो अभी ना फिलहाल हमें विजुअल वाली स्क्रीन में इसका जो डेटा पैड है ना, उसको ये देखो, ये पड़ा है इसका डेटा पैड. जब ये ऑन होगा ना, तब हम लोग इसे हैक कर सकते हैं. ठीक है, अभी ना फिलहाल देखो, ये इससे मिलने आई थी. अभी इसका डेटा पैड तो यार पूरा का पूरा ऑफ पड़ा है. जल्दी से ना हम लोग अपनी क्लिप को ना आगे मूव करते हैं. कहीं ना कहीं तो ना इसने डेटा पैड अपना ऑन करा होगा. अभी फिलहाल ये लोग अपना यहाँ से मिल विल लिए, इनके लोग अपना यहाँ से अंदर चले गए. ठीक है, ओके. तो इसने यहाँ से थोड़ा लाइट वाइट चेंज करी है. ठीक है, इसको तो करने दो जो करना है. बाकी इसका डेटा पैड कभी ऑन नहीं हुआ क्या? ओके, ओ गाइस देखो, फाइनली हमें मिल गया जिस टाइम पर इसका डेटा पैड ऑन था. इसने ऑन करके ना इसमें रख दिया और हमने हैक कर लिया. Relic needs to be kept real cool. Okay. So, chip's got to stay in the freezer. Yep, could damage it otherwise. Okay. तो गाइस देखो, बिना इसके डेटा पैड से हमें ये क्लू मिला है कि जो चिप है ना, वो किसी फ्रीजर में रखी हुई है. फ्रीजर इसके घर में तो पक्का होगा. फ्रीजर ढूंढना, बस ये गन क्या है? ठीक है, इसको भी स्कैन कर लेते हैं. सेफ्टी ऑन. ओह, गन की हमने सेफ्टी ऑन कर दी. फायर नहीं होगी वो. ओके. सिग्नल एरिया लीव हो रहा है. स्कैन फॉर थर्मल क्ल्यूज. हाँ, ये जो ब्लू वाली ले रहा है ना, ये थर्मल ले रहा है. अभी इसके अंदर हमें क्या स्कैन करना है? क्ल्यूज टू फाइंड रेलिक. ठीक है, अभी फिलहाल ना हमें, हाँ, वो फ्रीजर हमें ढूंढना है. यहाँ पर कुछ था क्या? नहीं नहीं यार, इधर तो कुछ भी नहीं था. मैंने देखा था इधर फ्रीजर टाइप कुछ नहीं है. थोड़ा सा क्लिप को पीछे लेकर चलते हैं. हमें वो पार्ट ढूंढना है जहाँ कुछ फ्रीजर टाइप सीन हो. बाकी ये देखो, ये देखो, यहाँ पर देखो, ये फ्रीज सी कुछ निकल लिया. पहले क्लिप पॉज, देन इसको स्कैन. ये आइस बकेट है. ओके, looks like Mr. Arasaka had something. नहीं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है. Really think you'll find the chip in there? नहीं. No way. Temp's too low. Could fluctuate. इसका टेम्परेचर ना बहुत कम है, तो सीधी सी बात है चिप इसके अंदर नहीं होगी. अपनी क्लिप को और हमें पीछे करना पड़ेगा. भाई ये बहुत ज़्यादा ही गलत सीन हो रहा है. प्लीज़ यार चिप मिल जाए. बट फिलहाल और पीछे चलते हैं, क्या पता हमें कोई ना कोई और. ओह एक सेकंड, वहाँ पर और है. तो ये जो थर्मल वाला विजन है ना, इससे हमें दिख जा रहा है शायद यहाँ है. ओ आउट ऑफ रेंज हो गया यार. रुक जा, मैं समझ गया. अब मैं समझ गया क्या करना है हमें. बस हमें ना दूर से जाना है, ये लेयर चेंज करके बस इसको स्कैन करना है. हिडन सेफ. ओ पक्का इसी के अंदर होगी. ओके, स्पेक्स मैच कर रहे हैं पूरे के पूरे, तो यानी इसी के अंदर है. गारंटीड. वी गॉट इट. गुड वर्क. ओके, तो चलो अभी फिलहाल टी वक्त तो कह रहे कि भाई इसी के अंदर है. एग्जिट द ब्रेन डांस व्हेन यू आर रेडी. हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ. अभी फिलहाल जल्दी से गाइस, अपना सारा काम हो चुका है. और ये इसके घर पर ना वैसे ही मिलने के लिए आई थी, और ये बेचारा कॉल पे काम कर रहा था. अब इसी जगह पर ना गाइस, हमें पूरी की पूरी चिप चुराने आनी है. हमें पता चल चुका है कहाँ पर है. एक सेफ है उस जगह पर, उसी के अंदर वो चिप पड़ी हुई है. और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, मुझे नहीं पता क्या ही होने वाला है. अभी फिलहाल ना जल्दी से हम लोग अपना जो ब्रेन डांस है, इसे एग्जिट करते हैं. प्लान बनाते हैं इस प्लाजा में चुपचाप से घुसने का, लाइक एजेंट 47. चलो टेप हमने पूरी की पूरी चेक कर ली. तो गाइस देखो, बिना फिलहाल जूडी कह रही है कि अगर एरासाका को पता चल गया ना कि हम लोग बीडी कर रहे हैं, मतलब ये जो ब्रेन डांस वाला है, इसके थ्रू हम लोग सबकी बातें बातें पता कर रहे हैं टेप रिकॉर्डिंग के थ्रू, तो वो इसको जूडी को भी मार देगा, हमें भी मार देगा. भी निकले क्या? क्या हुआ? लेट्स वॉक. गेल ले. अबे हम अकेले जा रहे थे, इसने कहा साथ चलो. बट कोई नहीं, भी चलते हैं जल्दी से. हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं. अब पता नहीं यार, जैकी को मेरे को बुलाना पड़ेगा क्या? इससे अलग से बात करनी पड़ेगी. So, what now? V, do this job for me. I mean me alone. Oh, bhai. No splitting the payout with anyone else. No middlemen. No Dex. Achha. तो गाइस देखो, जो डेक्स है ना, वो भी किसी के लिए काम कर रहा है. तो ये कह रही है कि तुम ये जो काम है ना, सीधा मेरे लिए करो. तो अभी हम लोग डेक्स को धोखा दें, मतलब सीधी सी बात है. हम लोग सोच के बताएंगे, एक मिनट रुको, मैं पूरा आपको बताता हूँ. तो गाइस देखो, बिना फिलहाल सीन क्या है कि डेक्स को बिना किसी बंदे ने बोला कि उससे चिप चाहिए, और डेक्स ने वो काम हमें दे दिया. अब डेक्स ना क्या है कि बीच में पैसा खा रहा है. तो ये कह रही है कि काम ना तुम सीधा मेरे लिए करो. तो भी फिलहाल इसकी मैं बात मानूं या फिर ना मानूं, यार डेक्स थोड़ा तगड़ा बंदा है. अभी फिलहाल इसकी बात मानते हैं, इसको नॉलेज ज्यादा है. I can offer 50%. Eddie's enough to do whatever the hell you like. Okay, अभी फिलहाल हम लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं. यार लेकिन हमारी दुश्मनी हो जाएगी यार उससे. बट कोई नहीं, तभी तो मजा आएगा.
But my offer's the only one you'll ever get. Okay. Let me think about it. Mm-hmm. If you need me, call. I'll send you my number. Okay. ठीक है. Good luck. भाई क्या ही सीन चल रहा है. Now go. ठीक है. इसको पता है क्या उस चिप के बारे में? Call Dex. अबे अब मैं है सीधा Dex को call करने क्या? हाँ gate तो खोलो. अच्छा ये. Dex का call आ गया भाई. Turns out everyone was recording from Compeki was worth our time. Beautiful. T-Bug already called. Said she's working her magic. We're all set. Ready to go. What now? Now we do the job I hired you to do. Grabbing that vital chip. We'll talk about the rest at the afterlife. See you there. Great. Be there in no time. See you, Mr. V. Wait! तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर डेक्स से भी बात हो चुकी है. बाकी यार यहाँ पर जो भी बंदा बैठता है ऐसा क्यों लगता है कि उसकी पूरी की पूरी पीठ पे किसी ने लैमिनेशन करा हो. भाई एक बार ध्यान से देखो कैसे ऐसा लग रहा है. ऐसा लग रहा है प्लास्टिक की बॉडी है. अभी जल्दी से हम लोग अपनी सस्ती गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फटाफट से चलते हैं. अभी हमें जाना कहाँ पर मैंने तो देखा भी नहीं. हेड टू द आफ्टर. ओह सॉरी सॉरी सॉरी. आराम से चला रहा हूँ. कोई डरने की बात नहीं है. मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ. अभी ना गाइस जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलते हैं. 550 मीटर हमें दूर जाना है शायद से ना. अभी ये जो काम है हम लोग जैकी के बिना करने जा रहे हैं. बट यार ऐसा नहीं होना चाहिए. और जैकी बहुत ज़्यादा बढ़िया बंदा है. लास्ट टाइम ना उस जगह से हम लोग बाहर ना निकल पाते अगर जैकी ना होता तो. और रात में हम लोग उस जगह के अंदर गए थे और अभी फिलहाल सुबह हो चुकी है. काश ये गाड़ी मैं ले पाता. और अभी मैं गाड़ी के पीछे क्यों जा रहा हूँ. मेरे को आगे वाले कट से ना राइट लेना है. एक सेकेंड. अरे भाई ओ प्ले सॉरी 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 सॉरी. क्या अंधे बंदे हो क्या भाई? कैसे चल रहे हैं? सुबह सुबह घर से बाहर निकलने की पहले कोई जरूरत ही नहीं है. 4 बजे बाहर घूम रहे हैं. बाकी रुक जाओ सामने कुछ गुंडे हैं. यहाँ से रास्ता है आगे जाना मेरे हिसाब से बिल्कुल सेफ नहीं है. गाड़ी मोड़ लो. ओ भाई देख लिया किसी ने कि कुछ तो गड़बड़ हुई है. उतनी ड्रोन आ रहा है. एक अबे मैंने क्या कर दिया भाई? ओ गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा. पता नहीं ये ड्रोन मेरे को किस लिए मार रहे हैं. अबे भाई ये लकड़ी भी नहीं टूट रही. तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इन ड्रोन ने ना मेरी गाड़ी में आग लगा दी. मुझे गाड़ी भी चेंज करनी पड़ेगी. अरे रुक जाओ भैया ब्लास्ट हो जाएगी मर जाऊंगा बेमतलब. जल्दी से आगे लेकर चलता हूँ. सामने से एक गाड़ी आ रही है. एक हेडलाइट इसकी भूखी पड़ी है. टाइस को मैं जला दूंगा इसे. तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे पीछे कॉप्स पड़ चुके हैं बेमतलब. और मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसा किस लिए. मैंने करा क्या था उस जगह के अंदर? तो मैं सही से गया भी नहीं था. मैं तुरंत ही बाहर निकल गया था. बट कोई नहीं भी भाड़ में जाए सब लोग. इन्हें जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं. इसी जगह पर हमें जाना था. बाकी ये किस चीज़ की शॉप है? जो भी हो खैर बंद पड़ी है. फटाफट से हम लोग यहाँ पर चलते हैं. भाई कैसी कैसी जगह पर आज जाना पड़ रहा है मेरे को. ओके यहीं पर आना था ना. टॉक टू. अच्छा जैकी. जैकी कहाँ पर है? जैकी नहीं यार जैकी इधर. अच्छा ये रहा जैकी. हेलो कौन सी भाषा बोल रहा है? About time, Holmes. What's new with Senora Wells? You know, she's worried about me. Whatever. Can't help yourself, you know. Senora Wells तो वही थी ना जो हमें पहले एपिसोड में मिली थी. तो कि गाइस अभी ना फेली फिलहाल यहाँ पर जैकी से बात हो चुकी है. पता नहीं अभी जो जैकी है मेरे को कहाँ पर लेकर जा रहा है. शायद से हम लोग इसके पास इसीलिए आए हैं ताकि इस मिशन में मेरी ये थोड़ी बहुत हेल्प करे. ओके बट डेक्स के पास तो काफ़ी ज़्यादा गुंडे हैं यार. और हम लोग इससे डायरेक्टली बात करने आ गए हैं कि ये काम हम लोग पता नहीं यार हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं. एग्जैक्टली मैंने शायद बात सुनी नहीं इनकी. आफ्टर लाइफ डेक्स यहाँ रहता है या फिर डेक्स भी यहाँ पर हमसे मिलने आएगा? तो शायद से एक ना भी बंदा यहाँ पर आया और ये ना हमें शायद से डेक्स के पास लेकर जा रहा है. तो चलो भाई इसके पीछे पीछे चलते हैं. यहाँ पर उसने हमें मिलने के लिए बुलाया था. ये बार कहीं उसी का तो नहीं है पूरा का पूरा? ओके भाई कैसी जगह पर रहता है डेक्स? सेम हियर नो इन द रिंग यू डू सम काइंड ऑफ एक्सोटिक शिट नहीं केंपो निंजित्सु थिंक यू कुड टेक मी ड्रॉप मी इन हियर. ओके अंदर जाना है क्या? फॉलो डेक्सिस बॉडीगार्ड. मैं जाऊं क्या अंदर पहले? ओके भाई ये डेक्स तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है. ओ भाई ये बैठा. ओ तेरी लो गाइस अपना मार खेलने में मिल गया है. कहाँ बैठूँ मैं? तो गाइस यार ये जो टी वगैरह मैं सोचता था ये रोबोट है बट ये कोई रोबोट नहीं है. ये एक्चुअली में एक लड़की है. अभी फटाफट से पुट फ्लैट एट डाउन. ओके अच्छा हाँ set your butts down comfy. बैठ के बात करते हैं डेक्स से थोड़ी देर. It's soundproof. Jackie. Now, Mr. Wells is right. We're going to be going over some sensitive material. But if it's all right with y'all, I'd like to start with a question for Mr. V. Okay. Evelyn Parker, how'd you fare?
तो गाइस देखो बिना फिलहाल डेक्स हमसे पूछ रहा है कि जो एवेलिन पार्कर है वो कहाँ से अब आ गई, तो इसको हम क्या बोलें. नॉट बैड. Couldn't have gone better. In fact, she liked me so much, she made me another offer. हम भाई सीधी बात कर दी, मैंने इसे साफ बोल दिया कि उसने मेरे को अलग ऑफर दिया. We ditched the middleman and split the pot in even 50-50. What? Ditch the middleman? Shit, now that's rich. अबे ये क्या है? Clients never learn, do they? I do appreciate you sharing this info, though, Mr. V. You see, trust is essential in any partnership that's to be long-lasting and fruitful. तो गाइस क्या करें भी? How about we go over the plan? What you got for us, Dex? This. क्या लाया हमारे लिए? Well, here goes nothing. Me and Dex have already covered the fine deeds. Ops-wise, should be a stroll on the beach. तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल हमने मार्क एंडनी हमने डेक्स को बोल दिया है कि अभी ना हम तेरे लिए ही काम कर रहे हैं, और इसने ना हमें पूरा का पूरा प्लान बता दिया कि कैसे हमें प्लाजा के अंदर जाना है और कैसे कैसे करके वहां से चिप चुरा के लानी है. बाकी तो भी फिलहाल ये कह रहा है कि अगर कोई डाउट है तो बताओ, लेकिन अभी कोई डाउट नहीं है, जल्दी से हम लोग ये मिशन करेंगे अभी. Now as that old Greek dog says, life's a banquet. So don't go thirsty, but don't get drunk either. तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर अपने डेक्स से बात हो चुकी है. अभी ना फिलहाल इसने बोला है कि जो प्लाजा है ना वहां पर काम चुपचाप करना, ठीक है? नो मोर क्वेश्चन. आई एम गुड, नो क्वेश्चंस, लेट्स गेट टू वर्क. ठीक है, सो यू रेडी टू गेट गोइंग और व्हाट? हां चलो चलो, लेट्स रोल, नो पॉइंट इन वेटिंग. इन गेटिंग रिच यू मीन? इसको लेकर जाने वाले हैं अभी हम लोग. तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग सीधा आकर गाड़ी में बैठ चुके हैं. तो गाइस देखो इस टाइम पर ना हम दोनों ना एक बहुत ही अमीर बंदे का गेटअप ले चुके हैं, और ना हम लोग उसी प्लाजा के अंदर जाने वाले हैं. कुछ ऐसा दिखाएंगे कि हम लोग ना यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, ठीक है? और अभी फिलहाल ये देखो ये जो गाड़ी है ना अपना, ये रोबोट चला रहा है, तो हमने इसको अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी. इसमें ऐसा होता है तो फिलहाल ये गाड़ी हमारी रोबोट चलाएगा और इसी प्लाजा के बाहर छोड़ेगा. हम लोग वहाँ पर ना ऐसे रहने के बहाने जाएंगे और उस चिप को चुराना है हमें चुपचाप से. और हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो भी हमें गलत उसने बना कर दिया डेक्स ने. तो चलो गाइस फाइनली हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं, और अभी जो अपने वेपन्स है ना हम लोग यहीं पर रख कर जाने वाले हैं. तो यानी ये जो काम है हमें काफी ज्यादा सोच समझ के काफी ज्यादा आराम से करना पड़ेगा. बाकी तो भी फिलहाल हम लोग यहाँ से बाहर आ चुके हैं, और यही है कि वो प्लाजा एक बार ढंग से देखते हैं कितना ज्यादा ये बड़ा है. भाई सच्ची में ये काफ़ी ज़्यादा महंगा ही होगा भाई, तभी हमने उस टाइम में बोल दिया था कि अपनी रेंज से बाहर है. और इस वाली गाड़ी में हम लोग बैठ कर आए हैं. मेरे को भी ब्रीफ केस लेना है क्या? नहीं मेरे को नहीं लेना है, इसके साथ साथ चलना है बस. चल 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 रहा हूँ भाई. कितना तगड़ा है सिक्योरिटी, जैसा कि उसने हमें बोला था ना एवेलिन ने, सेम टू सेम वैसे ही है. बहुत ज़्यादा ठीक है. तो हमें ना अभी फेक आईडी है अपने पास, ताकि ये लोग हमें पहचाने ना आखिरकार हम लोग कौन है. बट अपने फेस पे कोई मास्क वगैरह नहीं है. बाकी ये क्या भाई सब लेजर टेस्ट, सही टाइम पे गन रख दी, गन लेकर आते तो खत्म थे. यू गॉट इट होम सर. ओके चेकिंग हो रही है भाई, सब पूरी लेजर लगा के चेक कर रहे हैं. ओ भाई जैकी को ज्यादा जल्दी मची हुई है. सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू आर ब्रिंगिंग अ कॉम्बैट बॉट ऑनटू कंपेकी प्लाजा प्रीमिसेस? वी आर आर्म्स डीलर्स. एक्सक्यूज मी. You are here to see Taki-san, am I right? Please accept my apologies. मेरी बारी है चेकिंग करवाने की. तो चल चल चल, उसकी तो एंट्री होगी भाई, मेरी भी कर देना सही से. ओके स्टैंड इन द स्कैनर. हो गया, वाह मेरा जल्दी हो गया. ठीक है अभी इससे बात करने का रिसेप्शनिस्ट से. एंड वेलकम टू. ये तो रोबोट है. वी'd like to check in. Of course. Just a moment, please. हम लोग इसको ये दिखा रहे हैं कि हम लोग अभी वहाँ इस होटल में रहने के लिए आए हैं, या फिर इसने गलत नाम बता दिया. विक्टरीनो. Correct. That's the one. Perfect. I'll go ahead and notify Takisan of your arrival. Shit, no good. Not part of the plan. Talk her up, V. Stall. Okay, okay. That won't be necessary. We'll go freshen up first. Notify him ourselves. But Takisan is expecting you. Senorita, you know how long we've been traveling? 18 hours from New Barcelona.
तो गाइस देखो बिना फिलहाल हमने इसको बोल दिया कि जो टैकिसन है ना, मतलब वही बंदा क्या नाम था उसका, मैं तो नाम भी भूल गया, जिसके यहाँ से हमें चिप चुरानी है, हमने कहा उससे मिलने आए हम लोग। तो चलो अभी इसके साथ चलते हैं, भी पता नहीं कहाँ जाना है। और ये जो चिप की चोरी है वो हमें टॉप फ्लोर से करनी है, बहुत तगड़ी हाइस्ट होने वाली है। मेरे को डर सबसे ज्यादा पता है किससे लग रहा है, वो जो ऊपर रोबोट था भाई, वो बहुत ज्यादा डेंजरस था। इसका नाम हैरी Don't need that, Jack. Enough. What? I'm taking this seriously. तो गाइस यार इस मिशन का नाम ही द हाइस्ट है, तो आप लोग खुद सोच सकते हो भाई बहुत तगड़ा ही होने वाला है। बाकी तो अभी फिलहाल हम लोग उस होटल में पहुंच चुके हैं जहां से हमें बस वो चिप चुराना है, अब बस अपना काम यहां पर काफ़ी ज़्यादा आराम से हो जाए। बाकी ये चल के कैसे आ रहा है देखना भाई, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, एंड सिक्योरिटी के भी ना काफ़ी सारे लेवल्स है, मतलब वहाँ पीछे अलग लेवल की सिक्योरिटी यहाँ अलग है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल जैकी और मैं ना यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाकी यार इसे यहाँ पर लिफ्ट तो मिल गई है, चेक आउट द होटल बार। वैसे हाँ यार होटल बार ना हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या पता हमें ना बाद में इसकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ जाए। मतलब क्या अगर जगह पता रहती है ना तो हमें पता रहता है अगर कल को फाइट वगैरह हो तो हम लोग कहाँ से भाग सकते हैं, कहाँ से निकल सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने चेक कर लिया, अबे जैकी ऊपर निकल गया यार, रुक जा मैं भी आ रहा हूँ। हेड टू द एलिवेटर। और ये जो एलिवेटर है ना डिसेबल, अच्छा अभी आ रही है, दो मिनट मेरे को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब ऊपर नीचे रहते हैं ना तो आने में टाइम लगता है, पहले मैं सोचता था खराब होगी, बाकी ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। जहाँ पर अपना घर है वो तो बहुत बेकार है। चलो ऊपर 42 मैंने सिलेक्ट करा ना सही, मेरे को कहाँ जाना था, कौन से अपार्टमेंट में जाना था। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल शायद से मैं उस फ्लोर पर पहुंच चुका हूँ जहाँ पर हमें आना था। प्लीज़ यहाँ पर मेरे को जैकी मिल जाए। अच्छा वो रहा सामने की तरफ में जैकी खड़ा हुआ है। तो जितने भी बंदों के घर है ना सारे के सारे यहीं पर है, अंदर चले क्या पहले, वहीं जाना है हमें। ठीक है चल 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 भाई, पता नहीं क्या होने वाला है यार, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा अभी फिलहाल हम लोग ना पहले अपने रूम में रहेंगे, होटल के अंदर ना हमने जगह ले ली है, ठीक है अब बस हमें उसके रूम तक पहुँचना है, वो हम देखेंगे। बाकी ये इस होटल का अपना वाला रूम है। बाकी ये क्या लगा हुआ है पता नहीं यार, जो भी है। आज भाई जैकी क्या कर रहा है। ओके गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं। Offers quickest access to the dweller and servers. Sí, me acuerdo. Now you fire up the flathead and find the shaft entrance. Sounds simple enough. Simplicity sometimes toughest to master. तो गाइस देखो बिना फिलहाल मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इधर ना शाफ्ट किधर है। मतलब ये पूरा का पूरा ना रूम मैंने स्कैन कर लिया है, इस तरफ में ना एक गेट और है, तो शायद से ये बाथरूम होगा। और बाथरूम में चांसेस है कि शाफ्ट हो सकती है, स्कैन करके देखते हैं। नहीं यार यहाँ तो नहीं है। बाकी एक सेकेंड, वो शाफ्ट है क्या? ओके नहीं, ये तो टीवी है। ओ भाई वो री शाफ्ट, शायद से यही शाफ्ट है। ठीक है मिल गए। ओके ठीक है, इसको अंदर भेजना है हमें। भाई ये क्या फ्लैट हेड, चल ये स्पाइडर भी अंदर जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हाइस्ट है। खुला गेट एंड ये चलेगी अंदर, एंड अभी हम लोग कैसे स्कैन करेंगे इसे। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल वो जो स्पाइडर बोट है उसको कंट्रोल करने की चिप ना हमें जैकी से लेनी पड़ेगी। ला भाई दे, तेरे बस की ना है, हम करेंगे इसे कंट्रोल। ठीक है अभी ना हमने अपने अंदर उसे जैक इन कर लिया है, और अभी वो जो बॉट है ओके तो ये हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। ठीक है तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल जो अपनी स्पाइडर है ना वो इस वेंट के थ्रू दूसरे रूम में आ चुकी है, और अभी ना इसी तरीके से ना हमें इसे उस रूम तक पहुंचाना है जहां से हमें वो चिप चुरानी है। बाकी यार इस वाले रूम में भी कोई ऐसी जगह है क्या जहां से हम लोग अपना काम कर सकते हैं। बाकी इधर चार पाँच अपना बंदे बैठे हुए हैं तो इनसे भी थोड़ा बहुत बचा के जाना पड़ेगा। बाकी इधर कुछ रखा हुआ है, कुछ लैपटॉप है, बट मैं इसे स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दूर है। बाकी ये वेंट है ना ओके तो यहाँ से अपना काम हो जाएगा। फिलहाल जल्दी से इसके अंदर अपनी स्पाइडर को एंटर करवा देते हैं, और शायद से ना ये इन लोग को विजिबल नहीं है, पता नहीं यार क्या सीन है। जल्दी ओके तो मैं ग्लास के पीछे हूँ, ये ऊपर से निकल जाएगी। ओ ओ ओ तो ये पूरा एकदम अपोजिट चलने वाली है। ठीक है किसी को बस पता ना चले, यहाँ पर जो गार्ड है बेचारे खड़े रह गए, और वो फटाफट से अंदर चली गई। चल जल्दी से घुस। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल फ्लैट हेड जो है उस वेंट के अंदर जा चुके हैं। इस बंदे को थोड़ा सा शक हुआ था बट ज़्यादा शक नहीं हो पाया। तो गाइस देखो बिना फिलहाल जो अपनी स्पाइडर बोट है ना वो उस वेंट के थ्रू दूसरे रूम में आ चुकी है, और आते ही ना मेरे को यहाँ पर वेंट भी मिल गया जिससे ये दूसरे रूम में चले जाएगी। बट अभी ना फिलहाल गड़बड़ी है कि उस वेंट के जस्ट पीछे एक हाउसकीपर खड़ी हुई है जो कि इसे देख लेगी और सारा काम खराब हो जाएगा। तो अभी ना फिलहाल हम इसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके तो अभी फिलहाल हम लोग टीवी ऑफ कर दिया ना। ओके अभी फिलहाल टीवी ऑफ कर दिया बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, इसको भी छेड़ते हैं। ठीक है
अभी ना गाइस हम लोग इस रूम का ना टेम्परेचर कम करने वाले हैं। ये जो अपनी फ्लैट हेड है ना चुपचाप से ना वहाँ पर जाकर उस रूम का टेम्परेचर कम कर देगी। इससे क्या होगा कि जितने भी मतलब हाउस कीपर्स हैं ना इनको गर्मी लगेगी और फिर ये लोग जाएंगे उसे छेड़ने या फिर इस रूम से बाहर निकल जाएंगे। फिलहाल ये हमने टेम्परेचर देखो अपनी फ्लैट हेड ने कम कर दिया। ठीक है ये ऊपर कहाँ जा रही है? चल चल चल, अच्छा इस साइड में हो गया। ठीक है अभी इनको कोई दिक्कत नहीं हुई क्या? ओके Something's up with the tank. Hey, bug, okay. Work. उसको गर्मी लग रही है। Ain't seen nothing yet. You got any idea how? Oh, हट गई वो वहाँ से हट गई। ठीक है ठीक है। जल्दी 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 अंदर भेजो इसे अंदर भेजो फटाफट से भी फटाफट से शाफ्ट के अंदर हम लोग इसे भेज देते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल शाफ्ट खुल चुका है एंड अपनी जो फ्लैट हेड है वो उस रूम के अंदर उस वेंट के अंदर जाकर दूसरी साइड निकल गई। और इस टाइम पर ये कहाँ गए? स्कैन फॉर अ वे इनटू द वेंट्स। ठीक है अभी यहाँ कौन सा रास्ता है ये मेरे को? अच्छा ये तो सिंपल है, इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है जल्दी 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 इसे खोलो एंड फटाफट से अंदर चलो। भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीन चल रहा है, बिल्कुल ना मेरे को वॉच डॉग्स वाली फीलिंग आ रही है। जैसे हमने उसमें एक मिशन नहीं करा था जिसमें एक स्पाइडर बोट टूटी हुई थी, तो इसीलिए मैं इसे बार बार स्पाइडर बोट भी बोल दे रहा हूँ। अभी फिलहाल हम लोग सिक्योरिटी रूम में आ गए क्या? यूज फ्लैट हेड टू एंटर इन द ड्वेलर्स रूम। ठीक है तो इसके थ्रू जाएगी क्या? ठीक है ओपन गेट, ओपन हो जाओ प्लीज, रनिंग कमांड गेट ओपन प्लीज। ओके यार मेरे को लग रहा है ये कर नहीं पा रहा। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि ये जो अपनी फ्लैट हेड है ना इस गेट को खोल नहीं पा रही है, तो यहाँ पर कुछ ये से हैक करेगा। ठीक है तो यहाँ पर हमें शायद से ना कोई सीसीटीवी है ये। हाँ मिल गया, चल 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 इसमें जल्दी से जैक इन कर। ओके ही इज एट इट नाउ, टॉगल ओवर टू द अदर कैम। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल यहाँ पर ना मेरे को रास्ता ढूंढना है अपनी फ्लैट हेड को इस साइड पर लाने के लिए। यहाँ पर काफी सारे स्क्रीन से मैंने सबको हैक कर लिया बट ये रह रहा था। ओके तो यहाँ पर एक और शैफ्ट थी। ठीक है ठीक है मैं समझ गया क्या करना है। यहाँ पर एक शैफ्ट हो रहा है ना, ठीक है हो गया काम। ओके अभी ये वाली शैफ्ट खुलेगी एंड अपनी जो फ्लैट हेड है वो इसके अंदर से जाकर दूसरा कैमरा हमें व्यू करना है, इस साइड से निकल आएगी। ठीक है इसको भी ओपन करूंगा मैं दोबारा। ओके ऑटोमेटिकली हो गया। तो चलो यहाँ पर आ चुके हैं भाई, क्या ही चल रहा है। एंड यहाँ पर एक बंदा है। ठीक है फ्लैट हेड अपनी वहीं जा रही है। अभी बंदा जग ना जाए यार, मारने लग जाएगा। उतरी फ्लैट स्टेज राइट। फ्लैट हेड ने जाकर सीधा उस बंदे को स्कैन कर दिया क्या? ये क्या हो रहा है? वेट फॉर फ्लैट, अबे एक सेकंड यार ये हुआ क्या? अपनी फ्लैट हेड वहां तक पहुंच चुकी थी बट एक सेकंड। तो गाइस देखो बिना फिलहाल जो अपनी फ्लैट हेड है ना वो शायद से उधर जाकर फंस गई है और ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ी देर वेट करो उसे फिक्स करते हैं, जब तक हम लोग यहाँ पर अपना बैठ के रेस्ट कर लें अपना एंजॉय कर लें, ऐसा बग कह रही है। ठीक है तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर जैकी से भी बात हो गई है और इस टाइम पर ना टी बग ने मेरे को बोल दिया कि तुम अपना यहाँ पर बैठ के रेस्ट करो अ फ्यू आवर्स लेटर। ओके क्योंकि हमें यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, ये क्या बात करना चाह रहा है? तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर बैठे बैठे मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई है और अभी ना फिलहाल टी बग का मैसेज आ चुका है कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना पेंट हाउस के यानी उस बंदे के रूम के योरिनोबू के, वो सारे के सारे ना अभी वहां पर नहीं है। तो यही टाइम है जल्दी से वहां पर जाने का और उस चिप को चुराने का। शायद से अपने पास वेपन्स नहीं है, हम लोग ये रिस्क क्यों ले रहे हैं मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा भाई, ये बहुत ज्यादा गलत है। हमें वो जो चोरी है ना वो उस फ्लैट हेड के थ्रू करनी थी बट इस टाइम पर वो खराब हो चुकी है, तो भी हमें खुद ही जाना पड़ेगा। अपने पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है बट कोई नहीं, तो अभी जल्दी से अभी हम लोग चलते हैं सीधा अंदर। लिफ्ट में हम लोग आ चुके हैं भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन होने वाला है क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर हम वो चिप चुराएंगे तो वैसे कुछ गड़बड़ तो होगी नहीं क्योंकि वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं, ऐसा टी बग कह रही है। और ये बहुत तगड़ी से यार ये बटन मैं ही दबाऊँ क्या? ये बटन नहीं दबा सकता। ओके तो 100 ओ भाई 100 फ्लोर सूट पे जाना, ठीक है ठीक है पेंट हाउस पे ही जाना है हमें सीधा। देयर इज द ऑकवर्ड साइलेंस, यू वांट टू हियर अ जोक? नहीं यार इसका मजाक ही चलते रहता है। ओके कह रहा कुछ ज्यादा शांति है, एक आध जोक सुना दो भाई। पहुंचने वाले मेरी तो हालत सी खराब हो रही है भाई, बहुत तगड़ा सीन हो सकता है। मेरे पे वेपन होते तो उतना कोई दिक्कत नहीं थी बट हाँ उसके टेबल पे एक पिस्टल पड़ी थी ना, उस पिस्टल को अगर हम लोग उठा लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अभी फिलहाल हम लोग उसी जगह पर आ चुके हैं, यहाँ की लाइट्स वगैरह ऑन कर सकता हूँ क्या? यहाँ से लाइट्स हम लोग ऑन कर सकते हैं ना, दो मिनट रुक जाओ ये काम नहीं करेगा क्या? रुक जाओ मेरे को लाइट ऑन करने दे फाइल्स। नहीं यार रुक जाओ मेरे को इसे चलाना नहीं आ रहा। चल 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 अंधेरा ही बढ़िया, अंधेरा ही बढ़िया इस टाइम पर। बाहर बारिश देखो गाइस, एक बार ग्लास के ऊपर बारिश देखो नाइट सिटी में कितनी तगड़ी हो रही है। और यही जगह है, गो टू सेफ में आ तो गया। स्विच ढूंढना है यहाँ पर, इस सेफ को खोलने का स्कैन करना पड़ेगा ना इसको। तो
तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहीं कहीं पर ना स्विच तो है बट वो मेरे को नजर नहीं आ रहा। एक बार मैं दोबारा से चेक करता हूँ कि मैंने स्कैन करा। यूज द स्विच, स्विच मिल गया क्या? ओके ये रहा भाई स्विच, एक मिनट रुक जाओ, पीछे जाकर कहीं तो है। बाकी यार उसके टेबल पर पिस्टल नहीं है, काश यार हमें पहले पिस्टल मिल जाती। इसको ओपन करने का ना, सेफ को ओपन करने का स्विच यहाँ पर है, इसको खोलना पड़ेगा अभी। यूज हो जा भाई, एक सेकंड, एफ टू यूज, टर्न ऑन, ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। खुला क्या? कोई आ गया क्या? अच्छा यही इतनी तेज बोल रहा है भाई, चोरी करने आए हम लोग यहाँ पे। और गाइस यही वो फ्रिज है जिसके अंदर वो चिप है। ओ भाई 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 ये निकाली बाहर। योर टर्न बग, गिव मी टू। ये क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि अगर ये चिप मिल गई तो। अबे ये क्या है? बग। ओ डोंट नो हु बट स्टाफ्स अ बज ऑल 200 ऑन देयर फीट कांट कीप स्टिल। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हाउ मच लॉन्गर टी? भाई ये कौन थे? मैं तो डर गया, मेरे को लगा कि सिक्योरिटी आ गई उसकी। ओपन द सेफ। भाई ये वही है, सिक्योरिटी है यार, मेरे को लग रहा था गड़बड़ हो गई। खुला क्या? खुल खोल खोल खोल, मैं नीचे देख। Let me look to this, huh? Wait for jacket to check the. ठीक है खोल से। भाई बहुत बहुत ना फट जाए भाई, मैं पीछे हो रहा हूँ। 100%. वो बंदे कौन थे भाई? सच्ची में हालत से खराब हो गई थी भाई। Good. अच्छा ये पूरा लेके निकले। ओ हो गया भाई, ये इतनी ज्यादा प्लानिंग से आए थे ना भाई, क्या ही बढ़िया हाइस्ट हुई है। अभी जल्दी से ना हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी अबे भाई क्या है ये? कौन आ गया? एक सेकेंड, यहाँ पर कोई सीक्रेट जगह है, जल्दी से ना इसके अंदर हम लोग छुप जाते हैं। भाई यहाँ पर ना कोई तो आ गया है भाई साहब, मतलब यहाँ पर ना भी कोई आ रहा है, उसको भी ये नहीं पता। अच्छा लाइट जल गई, देखो इसको शक तो नहीं हुआ। चुप हो जा भाई, हालत खराब कर रहा है। उसका बॉडी गार्ड भी साथ आया भाई, रोबोट जैसा, कितना खतरनाक है भाई। इसको पता चल चुका है कि हमने यहाँ से चोरी करी है। Bug, who got incoming? इसको लग रहा है कि हम लोग यहाँ से भाग चुके हैं। ओ भाई। This isn't happening. Saburo Arasaka. वो आ गया, Arasaka भी आ गया। तो गाइस वो जो आप बंदा देख पा रहे हो ना वही Arasaka। शायद से ये तो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है ये, मतलब जो डेक्स है ना उसके भी ऊपर के ऊपर के ऊपर है समझ लो। ये इसका फादर है, अब इसके थप्पड़ पड़ने वाले हैं क्योंकि इसके रहते हुए चोरी हुई है मेरे हिसाब से। उतरी नहीं 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 Arasaka-sama, माना बॉडी चेक का वाती मसल। हम जिस ग्लास के अंदर है ना वो, मतलब हमें तो दिख रहा है उस साइड का, बट उस साइड से शायद इधर का नहीं दिख रहा। तो गाइस देखो बिना फिलहाल यहाँ पर तो इन फादर सन की आपस में बहस होने लग गई क्योंकि ये चिप चोरी हो गया है। बाकी इसको मारने जा रहा है, एक सेकंड। तो भाई साहब, भाई पापा है भाई तेरे, क्या कर रहे हो? भाई भाई ये तो पूरा मार ही देगा इसको। क्या था ऐसा उस चिप में, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। गया लो भाई, भाई क्या सीन हो रहा है? जिंदा है लग रहा है, जिंदा लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। जिंदा है क्या इसमें दिखाता है? जिंदा है नहीं। गया भाई गया, Arasaka तो गया। इनका भाई दिमाग खराब हो गया उस चिप चोरी होने की वजह से, इनको पता नहीं है चिप इनके बगल में ही पड़ा हुआ है इस बॉक्स के अंदर। ओ भाई तू भी होश हो जा, हम चुपचाप निकल लेंगे। अबे यार बुड्ढा अगर उसको मारता तो ज़्यादा मजा भी रहता, फिर बुड्ढे को हम लोग आराम से मार के निकल लेते। अबे यार इसका तो गया भाई, स्कैम हो गया स्कैम। कब क्या जिंदा करेगा क्या? अब गले मिलेगा, गारंटी है, गले मत मिलियो, बाहर निकल के मारूंगा। ऑप्शन होता ना बाहर निकल के दोनों के भरता। कोई आया क्या? Saburo Arasaka has been murdered. Code red initiated. Attention. Code red has been initiated throughout Kenpeki Plaza. Please remain in your rooms and follow all instructions given by staff. Okay. Nando sagi desu. 誰かが土に毒を持った。毒を。そうだ。よりのぶさん。しかし。竹本。भाई क्या चल रहा है, इन दोनों की भी लड़ाई हो गई। एक बॉडीगार्ड उस।単純な質問だ。答えろ。जो भी है मजा आ रहा है देखने में। एक तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि आखिरकार ये जो इनका बॉडीगार्ड है लिफ्ट में घुस कैसे जाता है। अच्छा अच्छा पूरी इसी के साइज की बनाई है। What the fuck just happened in there?
भाई योरिनोबू ने अपने फादर सबुरो को मार दिया और अभी हम दोनों पूरा सेफ हैं। वो शायद उनकी फाइट भी इसी चीज को लेकर हुई है कि चिप जो है चोरी हो चुकी है। ठीक है, चुपचाप से यहाँ से निकलना है। रुक जा, अबे ये मरवाएगा भाई। विंडो से निकलना है हमें। कौन सी विंडो? हाँ इसको तोड़ेगा। कैसे? टीबक खोल लिया कैसे? खोल ही नहीं पा रही भाई विंडो। बग को भी लग रहा है किसी ने मार दिया, बट ये वाला जो लॉक है खुल चुका है। बग की ना एकदम चिल्लाने की आवाज आई है। ओके भाई पता नहीं क्या है, अंदर कुछ है क्या? गेट टू द लैडर भाई। अच्छा हाँ, ये जगह काफी ज्यादा ऊंची है, हमें इधर से जाना। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, चल 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 चल, जैकी मेरे पीछे मत आ, तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा। भागो भागो भागो, हमें ना यहाँ से जाना है लैडर की साइड पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बहुत तगड़ी हाइस्ट हुई थी, हमारे को ज्यादा दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमने प्लानिंग बहुत अच्छे से कर रखी थी। बट अभी फिलहाल चल 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 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सब क्या ही लग रही है यार, चुपचाप आजा, चिल्ला मत भाई, गिरेंगे दोनों बहुत गंदी तरह। और ये कौन आ गया? एक सेकंड प्लीज, हमने कुछ नहीं करा, चुपचाप यहाँ से निकल ले। चल 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 भाई एक सेकंड, हेलो, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं भाई, गए अब तो कोई नहीं, कूदना पड़ेगा ना, कूदो कूदो, भागो भाई। ओ तेरी, जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ भाई। मेरे को लग रहा था कि हाइस्ट करना इतना ज़्यादा आसान तो नहीं होगा जितने आसान तरीके से हम लोग आ गए थे। ये क्या, गए क्या? नहीं नहीं लगी तो नहीं है मेरे हिसाब से। प्लीज़ यार मेरे को गन चाहिए पहले। कि कहाँ पहुँच गए हम लोग भाई? ये क्या हो गया, इतनी ज़्यादा प्लानिंग के साथ आए थे। वो चिप ना टूट जाए भाई, चिप में कुछ हो गया है, चिप में से करंट निकल रहा है, रेलिक में से। हम लोग पता नहीं कहाँ के गिर गए हैं। जैक के चोट भी लग गई है बहुत गंदी। ओके क्या करे भाई, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। मेरे को इसको कॉल करना पड़ेगा यार, एवेलिन पार्कर को, यही हेल्प कर सकती है इस टाइम पे। Got a problem. Cryo case is damaged. Biochip's integrity and Jackie? 86% and dropping. Shit. अगर ये इसमें ना कुछ प्रेशर है, अगर वो 0% हो गया तो चिप पूरी खराब हो जाएगी। क्या किया जाए? हाँ वो देखो टूट गई है वो। यही वो चिप है जिसको हम लोग चुराने के लिए आए थे, इसको इसने अपने अंदर लगा लिया है। ओके ये क्या हो रहा है इसको? You okay? No, no. I guess. Don't feel any different. Once you're back, we'll take out the relic and run a full brain scan and sweep. But you need to get the fuck out of there first. पर इसको भी तकलीफ है। ओके अभी फिलहाल इसने भी हमारी थोड़ी ढंग से हेल्प नहीं कर पाई। और बाकी ये जो है ना, ये डेलविना, ये अपनी गाड़ी है, ये अपनी गाड़ी का बोट है, ये सीधा यहाँ पहुँचाएगा, हमें गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलना है। मैं कैसे उठूंगा, बैठा ही रह गया मैं तो। ओके अभी ओके अभी फिलहाल पता सीन क्या है, इसने अपने अंदर जैक इन कर लिया उसको, रीच द एलिवेटर, यहाँ से जाएंगे क्या? तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मुझे जल्दी से जल्दी ना इस बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना यार सीधी सी बात है हम लोग बहुत ही बुरी तरह मरने वाले हैं। वैसे यार एक सेकंड, सामने की तरफ में ना कुछ गार्ड्स हैं और अभी ना फिलहाल बहुत ज़्यादा गलत सिचुएशन हो चुकी है, मुझे ना इन लोग से छुपना पड़ेगा। बाकी यार यहाँ पर अगर कोई गन्स वगैरह ना मिल जाती ना तो मैं इनको बहुत बुरी तरह मारता, बट अपने पास ना इस टाइम पर एक भी गन नहीं है। वैसे हम लोग इन्हें मार के भी तो गन ले सकते हैं, बट इनको मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, उनके पास एक बहुत तगड़ी SMG है। एक काम करता हूँ मैं ना इनको थोड़ा सा ना शॉर्ट सर्किट देता हूँ, थोड़ी बहुत HP डाउन होगी होगी। एक को मैंने दिया पड़ा इसके बहुत गंदी तरह। वैसे यार गाइस एक सेकेंड, सामने की तरफ में जो बंदा है ना, हम लोग स्नीक करके से के पास जाके से डाउन कर देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। प्लीज यार ध्यान मत दियो इधर। ओके 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 हो गया बस बस बस, तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से, इसका गला दबाया, निकल यहाँ से, गंदे गंदे गंदे, जल्दी जल्दी इसकी बॉडी गई, जल्दी से मैंने गन ले ली, फटाफट से वापस मैं ऊपर भागता हूँ। पहले ना अपनी गन गाइस हम लोग जल्दी से इक्विप करते हैं, एंड ये आई जगह, एंड ये फटाफट से मैंने अपनी गन इक्विप कर ली। बस 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 अब आओ बेटा जिसके अंदर दम है। बट हाँ गाइस अभी ये जो काम है ना, मैं बहुत ज़्यादा आराम से करना होगा। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है क्या बाहर निकलने का? नहीं यहाँ से रास्ता नहीं है। रुक जा एक गन हो रहा है। ओ भाई इसको जैक ही नहीं मार दिया, OP एकदम, फुल स्नीक होकर जाना है हमें, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। बट गाइस एक सेकंड,
तो गाइस देखो बिना फिलहाल यहाँ पर ना मैं आगे बढ़ने से पहले ना इस पूरी की पूरी जगह को ना एक बारी जितनी भी डिवाइस है जितने भी कैमराज हैं सबको ऑफ करना पड़ेगा, वरना पता है सीन क्या होगा कि यहाँ पर ना ये लोग हमें बार बार ओवर हीटिंग डैमेज देंगे। तो एक सेकेंड यहाँ पर एक बंदा आगे आ रहा है, ये बस एक बारी हैक हो जाए उसके बाद जो इन्हें कमांड मिल गया वो शायद से ऑफ हो जाएगी। कोड रेड ओके, नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ हुई है सामने ही, मार दो कैसे, एम मेरा इसके सीधा हेड पे है। गाइस गाइस अभी ना हमें पूरा कवर लेकर बैठना पड़ेगा वरना बार बार ही हमें ओवर हीटिंग डैमेज मिलेगा, क्योंकि यार ये लोग ना हमें हैक कर लेते हैं सीधी सी बात है। कैमरास वगैरह सबको डिसेबल मारेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मुझे अलग गन मिली है या फिर वही गन की एमओ और मिली है मेरे को, पहले ये चेक करना पड़ेगा। एक सेकेंड, पहले अगर अलग गन होगी तो मैं उसे इक्विप कर लूँगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को सेम यही गन दोबारा मिल गया यार, एमओ भी ज़्यादा नहीं थी क्या, एमओ इनकी बॉडी से हमें और मिलता है क्या, नहीं नहीं यार एमओ तो उतना ही रहेगा, ठीक है भी जल्दी से ना गाइस आगे चलते हैं। ओ भाई क्या शॉट पड़ा है मेरे, हील करना पड़ेगा भाई, जितने कैमराज हैं सबको डिसेबल मारना पड़ेगा पहले, मेरे को यहाँ से दिख भी तो नहीं रहे। तो गाइस देखो बिना फिलहाल हमें कोई ना बहुत ही बुरी तरह सामने से मारने की कोशिश कर रहा है, बट इसको ना हम लोग बिल्कुल छोड़ने वाले वाले, मेरे पास ज़्यादा एमओ नहीं है इसलिए मैं फायर नहीं करना चाह रहा, बट हाँ आगे बढ़ने से पहले ये जो कैमराज है ना मुझे इन्हें हैक करना पड़ेगा। तो कैमरा कंट्रोल को मैं टर्न ऑफ कर दूंगा तो इससे हमें जो है मतलब कि ओवर हीटिंग का डैमेज नहीं मिलेगा, कम से कम एक कैमरा गया बाकी आगे और क्या। ओ बड़ी भाई कितनी दूर से मारते रहे, सीधा मेरी एचपी का मुझे आ रही है भाई, रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को ना इस टाइम पर दो बूस्टर्स ले लेने चाहिए। चल चल भाई जैकी आगे आगे चल, मेरे को तो कवर टू कवर जाना है भाई, चलना आगे, मैं अकेले आगे जाऊं क्या, बट यहाँ से हम लोग आगे कैसे जाएंगे भाई मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है, भाग के जाना पड़ेगा। ओ नहीं इधर ही कहने में, नहीं 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 रुक जाओ, आराम से मारेंगे इसको, बहुत प्यार प्यार से मारूंगा, एक एक गोली मारूंगा। ओ ले ब्रिज प्रोटोकॉल आ गया अपने पे, ब्रिज प्रोटोकॉल ऐसी तैसी करेगा मेरी। चलो फिलहाल इस बंदे को मैंने मार दिया जिसने मेरे को मेरे ऊपर ओवर हीटिंग का डैमेज दिया था, जिसकी गन उठाकर मेरे को भी भागना पड़ेगा, एक गन उठाने के चक्कर में मेरे को डैमेज देखो कितना ज़्यादा मिला है। हील करता हूँ पहले, ओके फटाफट से रीलोड। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मेरे पास 87 एमओ हो चुकी है और अभी ना मेरे को कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने कोई भी मिस्टेक करी हम लोग यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगे। कर रहा हूँ शूट कर रहा हूँ, एक सेकंड निकल यहाँ से, मार दिया मार दिया मार दिया, शायद से जिंदा बचा, नहीं लूटो 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 भाई, पूरी पूरी गन की एमओ मेरे को भी भरनी है अपने पास, और शायद से मेरे को ना गाइस कोई एक्स्ट्रा गन मिली है, एक मिनट रुक जाओ। तो चलो गाइस अभी ना मेरे पास फिलहाल टोटल 3 गन हो चुकी है, 2 मेरे पास ऑटोमेटिक एसएमजी है एंड 1 मेरे पास पिस्टल है, ठीक है अभी काफ़ी सारी एमओ भी हो चुकी है और थोड़ा ना सोच समझ के हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर जो कैमरे हैं ना उनको मेरे को साथ के साथ हैक करना है, तो पीछे यहाँ पर चलना चल क्या हुआ। तो फिलहाल इतनी दिक्कतों का तो हमने सामना कर लिया है जैसे तैसे, अब इससे ज़्यादा दिक्कत हमें ना आए तो बेटर है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग भागते भागते इधर तक तो आ चुके हैं और इधर ना काफ़ी सारा आइटम ऐसा है जो कि अपने इस काम आ सकता है बाद में, अभी फिलहाल के लिए मैं इनको कैरी कर लेता हूँ। जल्दी से ना हम लोग थोड़ा सा और आगे निकलते हैं, सामने से भी काफ़ी सारे बंदे आ गए और ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ओ भाई रुक जाओ देखने में तो तगड़े लग रहे थे, बाकी इधर आते हमें मारोगे, मेरे पास ज़्यादा एमो नहीं है और जितनी है इसे मैं संभाल के यूज़ करने वाला हूँ। ओ शॉट गन है इस पर, शॉर्ट रेंज में तो भूत बना सकता है, बट कोई नहीं अभी यहाँ पर जैकी भाई अपने किसी से कम है का, डबल पिस्टल चलाता है बंदा और दोनों डाउन, बहुत सही इस बार ही बढ़िया मारा भाई, दोनों बंदे तगड़े थे, काफ़ी तगड़े आर्मर भी थे इनके पास। भी जल्दी से जो शॉर्ट गन मिली है ना इसको फटाफट से एक्यूप करते हैं, ये पिस्टल पे मैंने लगा दी शॉर्ट गन, जो अपनी लास्ट है यहाँ लगा देता हूँ मैं पिस्टल, ठीक है अपने पास अभी तीनों गन हो चुकी है। फर्स्ट पे मैंने अपनी ओ इसको भी रीलोड कर लेता हूँ, क्योंकि यार कुछ पता नहीं है अपनी असॉल्ट राइफल की कब एमओ कम हो जाए, बाकी शॉटगन की मेरे पास भाई इसकी तो बहुत एमओ है, उसका डैमेज भी काफ़ी सही है। यहाँ से मैं आगे चलना है, एक मिनट जाना तो पड़ेगा ही, बंदों की आवाज़ आ गई है मेरे को पहले, रुक जाओ शॉटगन बजाएंगे इसके सीधा, 3 2 1 निकल यहाँ से, एक और ले एक और खा भाई। चलो एक बंदे को तो हमने यूं ही मार दिया, हमें बिल्कुल डैमेज नहीं पड़ा, बाकी यहाँ से मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। ओ भाई 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 बाकी बंदे तो पागल ही हो गए, इसके गन निकालनी पड़ेगी अजॉल्ट राइफल, अब मारो बेटा कहाँ पर हो, ओके ये बैठा। ओ भाई 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 गंदा कवर लेकर बैठा हुआ, रुक जाओ। तो भी ना फिलहाल जब वो बंदा रीलोड लगाएगा ना मैं तब आगे जाकर सीधा उसके मत्थे पे मारूंगा, निकल यहाँ से, एक पड़ी दूसरी पड़ी तीसरी पड़ी, चलो भाई ये सही है ऐसे। ओ मरा नहीं था, वाओ मेरे को लग रहा था मर गया, किसने मारा। ओ शिट शिट शिट, भागना पड़ेगा, हील 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 पहले हील भाई। ओ एक सेकेंड भाई, सही टाइम पर मैंने हील कर ली पीछे आके, वरना मैं गंदी तरह मरने वाला था अभी। चल यहाँ से गया, हो गया केयरफुल भाई केयरफुल, इसको बताता हूँ अभी केयरफुल। ओके मैं आइटम्स क्यों उठा नहीं पा रहा,
आई डोंट नो गाइस, मैं ये वाली गन क्यों नहीं उठा पा रहा, बट कोई नहीं, बाकी उठ जा, वही बहुत बड़ी बात है। एमओ एमओ ना अपने पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं जितनी भी गन्स मिल रही है ना वो मैं सारी की सारी उठा रहा हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना यार कब किसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी ये वाली तो मैंने उधर से उठा ली। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल जैकी तो अपने साथ साथ आ रहा है, बट मेरे को फिर भी आगे जाने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। अगर एक आध भी हीलिंग का आइटम होता ना तो मैं फुल छोड़ में आगे जा सकता था, बट अभी नहीं है तो इसलिए थोड़ा शांति से जाना पड़ेगा अभी ना। बस हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे और जाना है और एलिवेटर हमें मिल जाएगी वो देखो, बट यहाँ पर पहले एनिमीज मारने पड़ेंगे। एक ग्रेनेड मैंने डाला है यहाँ पर, सामने बंदे थे क्या? ओके, बंदे तो भाई काफ़ी सा, ओ भाई बहुत सारे बंदे हैं, कोई ढंग का कवर नहीं है। तो मैं पीछे जा रहा हूँ भाई, मैं पीछे जा रहा हूँ, ये जगह बहुत खतरनाक है भाई। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल टोटल तीन बंदे और बचे हैं। मैंने ना ट्राई करा इनके ऊपर दो बार एक ग्रेनेड्स डालने का, बट ग्रेनेड्स पहुंच रहा पर इनको डैमेज नहीं मिल रहा क्योंकि ये लोग थोड़ा पीछे थे, बट अभी हमें मारने के चक्कर में थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। और अपना ग्रेनेड इस बारी बहुत तगड़ा जाएगा सीधा इनके ऊपर। ओ ले भाई, 100-100 का डैमेज गया है। एक और डालूंगा, सारे डाल दूंगा मैं ग्रेनेड, ले अब आओ बेटा। ओ नहीं नहीं, ये तो अंदर ही आ गया, रुक जाओ, ज्यादा भी जल्दबाजी नहीं करनी। ये लगाया निशाना, ये फेंका ग्रेनेड, प्लीज एक आध डाउन ही हो जाए ना बढ़िया रहेगा, इस बारी किसी को कुछ नहीं हुआ। भागना पड़ेगा भाई सब, ये तो थोड़ा क्लोज ही आ गए। आई थिंक गाइस एक बंदा मर चुका है, दो ही बंदे बचे हैं, और दो बंदों को मारने के लिए हम दो बंदे बहुत हैं, बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आगे और एनिमीज हैं या फिर नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर ग्रेनेड तो जाएगा भाई, ग्रेनेड तो यार एक बनता है, ठीक है ना। ले भाई, यार ये बच कैसे जा रहा है, यहाँ से डालता हूँ ग्रेनेड, नहीं एक और ग्रेनेड डाला है मैंने, प्लीज। ओ इस बार ही आया डैमेज, गया गया, एक बंदा और चला गया, बस लास्ट एक बंदा बचा है। जल्दी से इसको भी जाकर ना इसका खेल खत्म करते हैं। मेरे को गोली मत मारो भाई, मेरे पास हील नहीं है, ठीक है, आराम आराम से हम लोग फाइट करते हैं, तू मर जा। ओके सही में मर गया, वो मेरी पूरी बात मान रहा था। और यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे थे, आगे से और बंदे तो नहीं आ रहे ना, बट कोई नहीं, अगर आ भी जाएंगे तो हम लोग उन्हें देख लेंगे। हील सही है भाई सबसे पहले तो, भाई कितना सामान ये लोग लेकर घूम रहे हैं, और जितना भी सामान था ना मैंने उठा लिया, एक नई गन भी मिली है। रुक जा, मेरे को पहले भाई लूटने दे यार, तेरे पास तो दो पिस्टल है, उसके अंदर पता नहीं कितनी एमो है, बट मेरे पास ऐसा सीन नहीं है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल शायद से हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुके हैं, यानी लॉबी में, और यहाँ से एक बार अगर हम लोग बाहर निकल गए तो समझ लो हम लोग बिल्डिंग से बाहर निकल गए और अपनी ये जो हाइस्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। बस हाँ, ये अपने जैकी को कुछ ना हो। और यहाँ से बाहर निकलते मुझे मालूम था कि यहाँ पर यार देखो बंदे तो होंगे ही। ओ भाई साहब, जैकी को देखो कैसे बचकर आ रहा है, ताकि अभी ना मैं इसका मुंह तोड़ता हूँ। और ये मैड है ना, ओके तो इसके अंदर से हमें काफ़ी अच्छी खासी मैड भी मिल जाएगी। बट हाँ, पहले हम लोग फाइट लेते हैं, एक मिनट, इसके ऊपर ना ग्रेनेड डालना बनता है, प्रॉपर जाएगा ना तब इसका दिमाग हिलेगा। ओके अब आगे क्या? ओ भाई किसने मारा, मेरे को तो पता ही नहीं चला, हील करना पड़ेगा भाई, कहीं से तो मेरे बहुत गंदी वाली पड़ी है। अभी रुक जाओ थोड़ा सा ना, लेफ्ट में पीक देके इसके लपेटूंगा मेरे को एक। ओ ओ ओ ओ, अब आ बेटा, बहुत देर से चल रहा है ना, अब पड़ा है इसके बहुत गंदा डाला डैमेज। हील, गो गो गो। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी गन को रीलोड कर लिया है, एंड अब इसके रख रख के पड़ेगी। तो यहाँ से ना भी एक एलिवेटर और है। ओके तो चलो, अभी फिलहाल ये बंदा मर गया, अभी आगे से ना शायद से और बंदे भाग कर आ रहे हैं, और ये कैमरा हमें ओवरहीट दे सकता है। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल एक बंदा सामने आकर खड़ा हुआ है, इसको लग रहा है कि हम लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर ये कवर में है, और इसको पता नहीं है अभी इसके मुंह पे मैं क्या ही ग्रेनेड फेंकने वाला हूँ। ओके एक और डाल दूँ क्या? वैसे वो मर चुके हैं तो कोई जरूरत नहीं है। ये बुलेट्स फायर कर रहा है एक बंदा, हो सकता है एक और है वहाँ, अच्छा पीछे था वो, ठीक है। ओके तो गाइस, अभी ना फिलहाल मेरे पास कोई ज़्यादा एमओ बची नहीं है, और सामने की तरफ में ना एक ही बंदा है, मुझे कुछ भी करके ना जल्दी से जल्दी इसको डाउन करना पड़ेगा। ओके तो भाई, इस वाली गन का ना डैमेज काफ़ी ज़्यादा सही है, जल्दी से ना हम लोग यहाँ से जितनी भी एमओ वगैरह और जितनी भी गन्स है सबको उठा लेते हैं। ओ भाई मेरे को लगा किसी ने मारा। ओके भाई 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 भाई, अब आएगी वो वाली गन अपने काम, तो लेट्स गो 3-2-1 एंड अब मैं इसके बजाने वाला। ओ भाई इसमें तो बहुत तगड़ा रिकॉइल है, और ये अपने को बहुत गंदा मारने वाली है, रुक जाओ। ओ भाई 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 रुक जाओ, अपने पास ज़्यादा हील भी नहीं है, बट कोई नहीं, इसको मारेंगे, कोई नहीं जाके रुक जा, मैं इसे लपेटूंगा, मेरे पास बहुत तगड़ी गन है भाई, बहुत तगड़ा ना वो वाला मॉन्स्टर सा आ चुका है। ओके भाई, इसकी हेल्थ वापस से, इसकी हेल्थ वापस बढ़ रही है क्या? ओ भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी हेल्थ ना वापस से बढ़ रही है। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल सामने से वो जो ट्रांसफॉर्मर जैसी गाड़ी आई है उसके ऊपर हम लोग ब्रिज प्रोटोकॉल करके हैक कर सकते हैं, 1 and BD। ओके तो लो भाई, अभी मेरे को नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है, बट ना जो भी होगा कुछ बेकार ही होगा उससे यार, ज़्यादा कुछ। भाई वो क्या मार रहा है, एक सेकेंड भाई, कुछ तो एकदम गलत ही आइटम वो हमारे ऊपर मार रहा है। 30 एमओ बचे मेरे पास इस गन की, एंड उसके हम लोग कैसे मारे? तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल मेरी तीनों गन्स की एमओ खत्म हो चुकी है, मेरे पास बस शॉट गन में एमओ बची है, और ये जो बंदा है ना भाई मरने का ना नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब ये कोई बंदा नहीं है, ये एक टाइप से रोबोट है। अभी एक काम करता हूँ गाइस, एक जो ग्रेनेड बचे हैं मेरे पास बचे कुछ है, यही मैं इसके ऊपर डालता हूँ, क्या पता ब्लास्ट होकर ये मर जाए। ओके गया तो है, ए
इसको ना मैं डोज कर करके लड़ूंगा, ठीक है। अब आ बेटा, मेरे पे निशाना लगा के दिखा दे, वही तेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। ओके, गया है इसके ऊपर। और मेरे पास चार और है, ये स्टन वाला है, इसका काम खराब करेगा, ये रोबोट है ना, ठीक है। और निकाला, ओ भाई यही मेरे को पहले डाल देना चाहिए था। इससे कुछ फर्क हुआ भी है इसको? ओ भाई एक और, क्या एक और मारना है, दो डाल दिए भाई, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, पता नहीं कैसा सा मॉन्स्टर है। एक मिनट गाइस, अपनी शॉट गन निकाल लेता हूँ बस, अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है, लास्ट ये शॉट गन है, यही हमें बचाएगी। तो लेट्स गो गाइस, 3, 2, 1, एक बुलेट, दो बुलेट, तीन बुलेट, ओ भाई फाइनली हमने इसे पूरा का पूरा ब्लास्ट कर दिया। पता नहीं मैंने इसके ऊपर कितने ग्रेनेड्स डाले, कितनी बुलेट मारी है, मुझे नहीं मालूम, बट जैसे तैसे करके हमने इसे मार दिया है। बाकी इसके थ्रू में इसे कुछ मिलेगा नहीं, क्या जिंदा तो नहीं है क्या अभी तू? भाई जिंदा था क्या ये अभी? एक और खा फिर। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितनी भी गन्स वगैरह पड़ी थी ना, वो मैंने सारी की सारी इन एनिमीज से ले लिया है। एक काम करता हूँ, पीछे की तरफ में भी काफ़ी सारी गन्स थी, इनको भी उठा लेते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास ना काफ़ी सारी एमो हो चुकी है इस टाइम पर, भाई देखो 334 एमो है मेरे पास। अभी जल्दी से ना हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। और ये सारी एमो ना मेरे को मैक्सिमम उसी से मिली है, वो जो बड़ा वाला रोबोट था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी एमो होती है। अभी फिलहाल लिफ्ट हमने बुलाई है जल्दी से, वैसे एक ही फ्लोर है, ज़्यादा टाइम लगना नहीं। ओके तो फटाफट से आ भी गई, जल्दी जल्दी जल्दी। जैकी कहाँ रह गया भाई? जैकी जल्दी से अंदर आ भाई, एक सेकंड, ये जैकी की हालत तो नहीं भाई, ऐसा भी कुछ सीन होना नहीं चाहिए। ओके भाई जल्दी कर भाई, वैसे अपने पास टाइम नहीं है। जब तक मैं काम करता हूँ लिफ्ट के अंदर बैठ के ना, अपनी जो दूसरी वाली गन है ना, एक सेकंड, इस वाली गन को मैं इक्विप कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी इस गन की जरूरत पड़ने वाली है। और इसके अंदर अभी ढेर सारी एमो है, 264 इसके अंदर, वैसे सबके अंदर सेम ही बुलेट्स लगी हुई है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल जैकी भी यहाँ पर अपना एलिवेटर के अंदर आ चुका है, इसकी हालत ना पहले से भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी लिफ्ट को सीधा पार्किंग में लेकर चलते हैं, एंड फटाफट से ना गाइस मैं हील भी कर लेता हूँ। ओके फटाफट से ना गाइस, हमें अपनी अभी ना गाड़ी को कॉल करना पड़ेगा, एंड यहाँ से निकलना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके तो बाहर की तरफ में भी काफ़ी ज़्यादा अरसा का की सिक्योरिटी आ चुकी है। जल्दी जल्दी चेक किया, अपनी गाड़ी लेकर वो बंदा आ तो चुका है, एंड यहाँ पर इनको नहीं मारना, इनको नहीं, जल्दी 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 गाड़ी में बैठना पड़ेगा, अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ओके ओके ओके, जैकी भी आकर बैठ चुका है भाई, भगा ले यार इस टाइम पर। ओ भाई बहुत गंदी तरह गोलियाँ चल रही है, ओह तेरी गैराज ही तोड़ दिया बहुत सही। जल्दी गाड़ी यहाँ से निकाल भाई, कसम से यार बहुत ज़्यादा गलत सीन था। और अगर ये गाड़ी एक रोबोट चला रहा है तो मेरे को लगता नहीं कोई एक्सीडेंट होना चाहिए। ओ भाई ये कौन है? ये तो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। चढ़ा दे इस पर गाड़ी, चढ़ा दे, अबे चढ़ा दे इस पर यार। नहीं नहीं चढ़ाएंगे, उठा के पटक देगा हमें। ओ भाई एक सेकेंड भाई, क्या ही गलत सीन हो रहा है, मैं अपना कैमरा एंगल चेंज करना चाहता हूँ भाई, ये एक्शंस मेरे को अच्छे से देखने हैं। ओ भाई भाई अभी हमें बंदों से लड़ना पड़ेगा, अपनी गन बाहर निकल चुकी है भाई पूरी की पूरी। ओ तेरी, ओ नहीं कैसे भाई, इनकी हेल्थ भी कुछ नहीं पता। जो मेरे पास ये वाली जो गन है ना, ये निकालता हूँ अभी। बका बका बका, मैं अंदर कैसे जाऊँगा? एक सेकेंड भाई रुक जाओ, एक गया, वैसे ज़्यादा नहीं है, मार दूंगा मार दूंगा। भाई 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 बड़ा वाला रह रहा था बस, ठीक है ही ले ले ले, फटाफट से हील भी करती है। तू कहाँ आ रहा है छोटू? निकल यहाँ से भाई, ये बहुत बड़ा है, छोटू नहीं है, थोड़ा दूर उड़ रहा है इसलिए। गया गया गया, ठीक है फाइनली हम लोग बच गए। ओके बाकी जैकी तू ठीक है ना भाई? बचा लिया मैंने वैसे जैकी ने हमें ज़्यादा बचाया। गाड़ी में आग लग चुकी है जैकी की। Take us to Ripper Dock now. Apologies, but that will not be possible. Our itinerary has been pre-arranged and paid for in advance. I am not at liberty to alter it. Fuck your liberty. Okay. Do what I say. भाई क्या ही सीन चल रहा है? इसकी तो भाई पूरे का पूरा मुंह से खून निकल गया भाई। We'll be getting prime jobs left and right now. Hear me, Jack? You're gonna be rich. Okay. अब मरियो मत भाई तू। We are gonna be rich, you and me. Biochip. ओ भाई, इस चिप को चुराने के चक्कर में ही सब हुआ, सिर्फ इस चिप को। ओके, अभी ये चिप इसने हमारे अंदर लगा दी है, ये तो मर जाएगा फिर। क्या हो रहा है अभी? अबे गया क्या है? शायद से गाइस ये मर गया, मेरे को लग रहा है, लग रहा है मेरे को भाई, ये गलत सीन है भाई। ओ भाई भाई भाई, ये वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है भाई, क्या हाइस्ट थी भाई ये। मिस्टर वेल्स हैज पास्ड, वेयर शुड आई टेक हिज रिमेन्स?
What? The Excelsior package provides for the disposal of passenger remains free of charge. I merely require a destination. Nowhere. Stay here and don't move. I'll be right back. Understood. Mr. Tashawn awaits you in room number 204. ये मेरे को समझ नहीं आया, मरा है या फिर ये डाउन हुआ है थोड़ी देर के लिए, उसकी लाइट एक जल जाए, पता नहीं यार. See you in the major leagues, Jack. भाई जो भी हो, बंदा भाई बहुत तगड़ा था, था या पता नहीं है उसे, पता नहीं भाई. अभी हमें कहाँ जाना है भाई? बहुत ज़्यादा गलत सीन है. बारिश देखो भाई कैसे हो रही है, गंदी वाली. ओके, इसकी बेचारे की गाड़ी भी पूरी की पूरी जल गई है. हेड टू रूम 204. अभी हम लोग किसके पास जाना है चिप देने? फटाफट से चलते हैं भाई अभी अंदर. ओके, कहाँ आ गए हम ये? मोटल, ये अपना घर है क्या भाई? मेरे को तो पता भी नहीं मैं कहाँ घूम रहा हूँ इस टाइम. जगह तो वो अपने जहाँ हम रहते हैं अपार्टमेंट्स उस टाइप जैसी, नहीं नहीं थोड़ा अलग है, बहुत बड़ा है और गुचड़खाना है पूरा, बट ये पूरा अलग है. एकदम ऐसे रोने धोने वाला माहौल क्यों हो रहा है भाई? अंदर चलते हैं अभी जल्दी से, भाग ले भाई, धीरे धीरे चल रहे हैं. अपने भी लग गए ना गाइस, इसलिए अपना प्लेयर भी फुल एकदम स्लो हो गया है. रूम 204 में जाना है, पता नहीं वहाँ क्या है, चल कर देखते हैं अभी तो. ओके गाइस, अभी ना फिलहाल हम लोग रूम 204 पहुँच चुके हैं एंड नॉक करना है. ओके, खोल भाई. ओके, ये कौन है? ये अच्छा, हाँ उसका बॉडी गार्ड है यार ये, मार्क हेनरी, सॉरी क्या नाम है इसका, डैक्स का. N54, even the pirate networks. You blown up everywhere. And the Jackster, he out in the car. तो गाइस सर, ओके. Yeah, he's there. मर गया गाइस जैक. The longtime head of the Japanese mega corporation was reported killing his friend on the premises of the Kanpachi Plaza corporate hotel while attending a right rally. तो गाइस अभी फिलहाल जैकी मर चुका है और पूरे के पूरे न्यूज चैनल में, पूरे के पूरे नाइट सिटी में न्यूज फैल चुकी है, ये सीन है. और हमारी जो फोटो हर जगह, मतलब सीधी सी बात है, हम लोग बिना मास्क वगैरह थे. His Majesty. Anyone with so much as a pinky toe dipped in this mess is as good as dead. After the break, we ask experts. Gotta leave Night City. अभी गाइस हमें हाँ नाइट सिटी छोड़नी पड़ेगी भाई. We close the deal, collect our cut, and drop off the radar. Alright, settle down. भाई बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया भाई अभी. Parker, Eddie's. Then we leave the city limits behind. But first, your face got blood all over it. हाँ गाइस, अभी हमें face hide करके रहना पड़ेगा भाई. पूरे news channel में फैल गए हम लोग, पूरी पूरी city में. grenade डाल दो इसके ऊपर. Go to bathroom. Okay. क्या सीन है भाई, बात मार मत देना भाई मेरे को भी. वॉश योर फेस. के भाई क्या ही गलत सीन है भाई साहब, वो इनको शक्ल देखनी है क्या हालत हो चुकी है अपनी भी. ओ भाई साहब, स्मैश मिरर, हाँ स्मैश मिरर. ओ भाई भाई क्या ही हालत हो चुकी है भाई. तो चलो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना. इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 500,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो. और हाँ, मुझे ना जानना है कि आखिरकार किस किस ने ये वीडियो यहाँ तक पूरा वॉच करा है. तो जिसने भी वॉच करा है वो कमेंट में ना जैकी ओपी जरूर स्पैम करना. और हाँ यार, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो. मैं कोशिश करूँगा वीकली हम लोग एक टॉक शो किया करें. तो चलो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. गुड बाय.